नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये हमारी फूलगोभी की नर्सरी तैयार हो रही है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर हम फूलगोभी की पचेती किस्म डालते हैं, यानी कि फूलगोभी की नर्सरी पचेती गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसमें माहू चेंपा की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है। इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, मैं हूँ शिव प्रकाश, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारे जो फूल गोभी के जो सीड्स हैं, हमने इसमें सेजेंटा कंपनी का टेट्रिस ब्रांड का सीड्स डाला है और जर्मिनेट वो हो चुका है। काफ़ी अच्छा ग्रो आया है इसमें है। सीड्स जर्मिनेट हो जाता है उसके तुरंत बाद ही टांट बोरी फट्टे जो हम इसके ऊपर डालते हैं हटा देते हैं, और हटाने के तुरंत बाद ही हमको इसमें सिस्टमेटिक फंगिसाइड यानी कि रेडोमिल गोल्ड और एक्टारा नाम का इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए। जब नर्सरी जर्मिनेट हो जाती है उसके तुरंत बाद ये स्प्रे आपको करना चाहिए, और इसके बाद में इसमें माऊ चैंपा के लिए सिम्बोस नाम का इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, जिसका टेक्निकल नाम की बात करें तो साइपर मैथ्रीन 25% EC इसका टेक्निकल है। ये वाला टेक्निकल आपको इसमें यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है, इसको ध्यान नहीं दिया है, इसमें ये टेक्निकल यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी चैंपा का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है। पत्तों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नीचे की साइड चैंपा लगी हुई है, और जो पेड़ जो हैं हमारे बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं, ग्रोथ करना बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में पत्तियों में चैंपा लगी हुई है और इसका ग्रोथ जो है रुक गया है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ कि आप भी ये इसको इग्नोर ना करें। आप नर्सरी में चैंपा अगर नहीं भी लगती है तो आपको ये स्प्रे अवश्य करना चाहिए, कम से कम 2 बार इसका स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो डोज जो है, पहले हम स्प्रे मशीन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके बाद हमको सिम्बोस नाम का इंसेक्टिसाइड लेना है। ये 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से लेना होता है। इसके टेक्निकल की बात करते हैं तो इसका टेक्निकल नाम है साइपर मैथ्रीन 25% EC फॉर्म में है, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और इसके बाद हम लेंगे दोस्तों कोई अच्छा सा टॉनिक। दोस्तों, मैं ले रहा हूँ फैक्टम गोल्ड का टॉनिक। ये इसकी डोज की बात करते हैं तो इसका डोज जो है 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से इसका डोज लेना है। और दोस्तों, चिपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, या बेडशीट आप ले सकते हैं, या फिर आप चिपको भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ले रहा हूँ बेस्टीज कंपनी का एग्री 82, जो कि 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से लेना होता है, और अच्छे से इसका घोल बना करके और हमको 8 दिन के अंतराल से 2 बार स्प्रे करना है। और आप अगर चाहें तो 3 बार भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे ही ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ट्रांसप्लांट के जस्ट पहले भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसी वीडियो में आपको इसका परिणाम भी दिखाने वाले हैं, क्या रिजल्ट इसके आते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, पूरा पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन में काफ़ी अच्छा ग्रो आ गया है इसमें। काफ़ी पत्ते ग्रोथ कर गए हैं, और पौध जो है ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल रेडी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे इस डेली खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़े रिलेटेड वीडियो समय से देख सकें। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली खेती बाड़ी। नमस्कार।